आज का जो नौजवान है ये साइंसवादी है, ये हमारी भौतिकवादी और जो हमारी धार्मिक आध्यात्मिक बात को नहीं मानेगा, इसको तुम साइंस के द्वारा आध्यात्मिक को मनवाएगा तो मानेगा। जैसे मैं सूर्य को जल देख करके मैं हर बीमारी का इलाज कर देता हूँ, बताओ कैसे? नाम है श्री दिगंबर पूर्णमगिरी। जब मैंने शास्त्र पढ़ा और उसमें यह आया कि जब महाप्रलय होगी तो 12 सूर्यों का ताप इस पृथ्वी पे गिरेगा जी। और मैंने आँख खोल कर देखा तो एक ही सूर्य दिख रहा है, 11 और नहीं दिख रहे। मैंने उनसे तर्क किया कि महाराज ये लिखा है गलत लिखा है कि 12 सूर्यों का ताप पड़ेगा, एक ही सूर्य 12 कहाँ है? तो उन्होंने कहा बेटा ये सत्य लिखा है, जो वर्तमान में हमारा सूर्य का प्रकाश आ रहा है ये केवल 8% आ रहा है, 92% योजन प्रतिबंध रुक जा रहा है, जो अल्ट्रावेटिक करने जिसको कहते हैं। ओके। यहाँ केवल 8 आ रहा है विटामिन डी को लेकर रेडियम से युक्त होकर। जब योजन प्रत फट जाएगा टूट जाएगा तो 12 98 डिग्री जब तापमान आएगा तो 12 सूर्यों का ताप पड़ेगा, ये पूरी पृथ्वी आग का गोला बन जाएगी। नागा का स्वरूप है जी, ये महादेव का स्वरूप है जी, एक बालक का स्वरूप है जी। बालक में क्या चीज नहीं होती है? निर्मल मन जन सो मोई पावा, मोई छल छिद्र कपट नहीं सुहावा। तो बच्चे के दिल के अंदर न काम है न क्रोध है न लोभ है न मोह है न मद है, और नंगा किस तेरी गोद में बैठ जाए, नंगा उसकी गोद में बैठ जाए। तो नागा का रूप एक बालक का स्वरूप होता है जिसके अंदर से विकार रहित हो जाए, उसका नाम नागा है, संन्यासी है, संन्यासमया, तीनों गुणों से रहित हो जाए। डिश है और जो चुटिया होती है एंटीना है, जो तुम्हारे जो यहाँ से कुछ तरंगे बाहर को जाती हैं कुछ अंदर को आती है। 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री, 10 सुकृत के घोड़े हैं और बुद्धि रूपी उसमें लगाम है और ज्ञान रूपी चाबुकर बोलने वाला इसमें स्वयं सारथी कृष्ण है। तो आज हमारी संस्कृति बदली गई, ये आज हमारे लड़के लोग खड़े होकर पेशाब कर रहे हैं, ये हमारी संस्कृति नहीं है, न मुसलमानों की संस्कृति है न हिंदुओं की खड़े होकर पेशाब करना। जैसे अगस्त मुनि ने 3 चलू में समुद्र पी दिया, मैंने पूछा महाराज वो मावा जी का कितना बड़ा पेट था? वो पृथ्वी पर रहता था क्या? पृथ्वी से बड़ा था उसका पेट जो सारे समुद्र पी गया? मैंने कहा नहीं बेटा, वो एक साइंस थे उस काल के वैज्ञानिक थे, उन्होंने ऐसा केमिकल डाल दिया कि पानी के 2 भागों में बढ़ गया, H2O हो गया और वो आकाश में उड़ गया। आज का जो नौ